नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। मौर्य एज यू नो दैट वाज अ डायनेस्टी दैट रूल्ड फ्रॉम 321 बीसी टू 184 बीसी। तो इन मौर्यास का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या कि जो उनका स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था, नॉट द सेंटर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो प्रोविंशियल का मतलब होता है जो पूरा उनका जो स्टेट था इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जहां तक उन्होंने रूल किया, वेस्ट में अफगानिस्तान तक उन्होंने रूल किया था। तो उस पूरे एरिया को उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, डिफरेंट स्टेट्स में जिसको हम बोल सकते हैं, या प्रांतों में डिवाइड किया था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो मगध से चलाते थे पूरी कंट्री को, जहां से वो लुक आफ्टर करते थे, दैट वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वी हैड डिस्कस इन अर्लियर वीडियो, यू कैन कंसल्ट दैट वीडियो आल्सो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंसेस का मतलब स्टेट्स। जस्ट टेक द एग्जांपल, आज इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। पूरा कंट्री जो है वो कौन रूल कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रूलिंग पार्टी है, और एग्जीक्यूटिव हेड है कंट्री का प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर इज रूलिंग द एंटायर कंट्री एंड एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट हेड। जो और उसके बाद पूरी जो स्टेट है, जो पूरा इंडिया स्टेट है, इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर 28 स्टेट्स हैं। हर स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर और वो अपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ हर स्टेट को गवर्न करते हैं। तो इस तरह से 28 स्टेट्स हैं। तो मौर्यास के टाइम में 28 स्टेट्स नहीं थी, 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, या 4 स्टेट्स बोल सकते हैं आप, या 4 प्रांत, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाते थे उस एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इस क्लास के अंदर डिस्कस करना है। तो एंटायर एरिया तो चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑलमोस्ट होल इंडिया को उन्होंने कवर किया हुआ था। कुछ एरिया उड़ीसा का छोड़ दीजिए और डीप साउथ का एरिया छोड़कर, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंडिया अप टू अफगानिस्तान एरिया दैट वॉज अंडर द ग्रिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब उन्होंने उसके जो प्रोविंसेस थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कि अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्या टू रन द एंटायर कंट्री। दो लोगों के लिए पूरी कंट्री को रूल करना पॉसिबल नहीं था। और उस टाइम जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स आज के कंपेरिजन में ना के बराबर थे, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वहां नहीं था उस टाइम में। तो वॉट दे डिड टू डू द टू गिव अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन एट द प्रोविंशियल लेवल, तो उन्होंने क्या किया, पूरी कंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट पार्ट को बोला जाता था प्राच्य पथ, और उसकी जो कैपिटल थी वो मगध का जो एरिया था, पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल। और ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट था, ये ईस्टर्न पार्ट कहलाता था प्राच्य पथ, पूर्वी प्रदेश। उसके सामने जो पार्ट था वो था अवंती, और उसको बोलते थे हम वेस्टर्न एरिया, और उसकी कैपिटल थी उज्जैन, और ये पूरा एरिया कहलाता था अवंती पथ। तो फर्स्ट ईस्टर्न वाज द प्राच्य पथ, देन दिस वाज नोन एज द अवंती पथ, और यहाँ की जो कैपिटल थी उज्जैन थी, यहाँ की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। नॉर्थ का जो एरिया था दैट वाज द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पथ का जो एरिया था उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, और साउथ का जो एरिया है इसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी। तो इस तरह से उन्होंने टू गिव अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द एंटायर कंट्री, दे डिवाइड द एंटायर कंट्री इनटू 4 प्रोविंसेस, एंड उस प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन आज हम लोगों को डिस्कस करना है। पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, किंग होता था और उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और उसके साथ साथ एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स होते थे, सुपरिंटेंडेंट्स या अध्यक्ष जिसको बोलते थे, वो कैपिटल, वो पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे पर्टिकुलरली मगध से बैठकर, जो उनकी कैपिटल थी, मगध का जो एरिया था। अब उसके बाद उन्होंने उस पूरी कंट्री के साथ उसको डिवाइड कर दिया, जैसे आज के टाइम में इंडिया 28 स्टेट्स में डिवाइड है, तो इन्होंने इसके 4 पार्ट डिवाइड कर दिए। अब हम इसके बाद हर एक पार्ट को लेते हैं यहां से, जैसे मान लीजिए प्राच्य पथ था ईस्टर्न एरिया, तो ईस्टर्न एरिया को अब पाटलिपुत्र को उन्होंने क्या किया, एक प्रोविंस लिया पहले। अब वो जो प्रोविंस था, तो 4 प्रोविंस थे, एवरी प्रोविंस वॉज अंडर 1 कुमार, जो कुमार का उसका एक डेजिग्नेशन होता था, दैट वॉज फ्रॉम द रॉयल ब्लड, वो रॉयल शाही परिवार से होता था और उसको कुमार बोलते थे। वो एक प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तो पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, उसके अंडर में जो थे वो 4 कुमार थे। तो 1 कुमार फॉर द ईस्ट, अनदर फॉर द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो एक कुमार के अंडर में एक प्रोविंस था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे ही चलता था जैसे आज का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप एक स्टेट ले लीजिए, जैसे यूपी स्टेट है, तो पूरी स्टेट जो है वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड है, जोन्स, और एक जोन डिफरेंट, एक जोन के अंदर डिफरेंट रेंजेस होती हैं,
एक रेंज के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट तहसील्स होती हैं और एक तहसील्स के अंदर डिफरेंट विलेज होते हैं। तो विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आज के टाइम में भी विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उन्होंने क्या किया, पहले 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, ईच प्रोविंस वॉज कैप्ट अंडर 1 कुमार एंड दैट कुमार ऑफिशियल वॉज फ्रॉम द रॉयल ब्लड। और कुमार के अंदर में अब जो प्रोविंस था उस प्रोविंस को उन्होंने प्रांत बोलते थे हिंदी में, उसको उन्होंने डिफरेंट मंडल्स के अंदर डिवाइड किया था। जैसे आज हम स्टेट को किसमें डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टेट को या प्रांत को मंडल में डिवाइड किया और मंडल होता था महामात्या या प्रदिष्ठा के अंडर में। तो सबसे पहले आ गया प्रोविंस, प्रोविंस हुआ किसके अंडर में, कुमार के अंडर में। प्रोविंस को उन्होंने डिवाइड किया डिफरेंट मंडल्स में, एक प्रोविंस के नीचे डिफरेंट मंडल्स होते थे, जैसे आज एक स्टेट के अंडर में डिफरेंट जोन्स हैं और एक जोन के अंदर फिर डिफरेंट रेंज आ जाएंगी। ऐसे ही मंडल इसके अंदर होता था महामात्या और प्रदेशता की, एक मंडल के अंदर डिफरेंट विषय होते थे जिनको आज के टाइम में हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और ईच और जो विषय जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसका हेड होता था स्थानिक। अब स्थानिक के अंडर में होते थे करीब 800 विलेज, अराउंड एक स्थानिक के अंडर में 800 तक विलेज होते थे, और स्थानिक के अंडर में होता था ऑफिशियल द्रोणमुख, द्रोणमुख के अंडर में अराउंड 400 विलेज होते थे, द्रोणमुख के बाद होता था कार्तिक, कार्तिक के अंडर में अराउंड 200 विलेज होते थे, और कार्तिक के नीचे होता था गोपा, गोपा के अंडर में 10-20 विलेज होते थे, और एक गोपा के अंडर में डिफरेंट ग्राम्स या विलेज होते थे, और हर विलेज का एक हेड होता था जिसको हम विलेज हेड या ग्रामीण वो या ग्रामिक बोला जाता था उस टाइम। तो विषय जो था, विषय को उन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ विलेजेस के अंदर डिवाइड किया था। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे बताया कि पूरा एरिया जो था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हर साउथ हर प्रोविंस की अलग अलग कैपिटल थी। जैसे प्राच्यपथ की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, दक्षिण पथ की जो कैपिटल थी वो स्वर्णगिरी थी, ये साउथ का जो एरिया है पूरा, ये एक पूरा एक प्रोविंस के कुमार के अंडर में होता था। इसी तरह से जो वेस्ट का एरिया था उसको अवंती पथ बोलते थे, ईस्ट वाले को प्राच्य पथ बोलते थे। अवंती पथ पूरे का पूरा एक प्रोविंस के अंडर में या एक गवर्नर के अंडर में या कुमार जिसको बोलते थे उसके अंडर में होता था, और यहाँ की कैपिटल होती थी उज्जैन। इसी तरह से उत्तर पथ जो नॉर्थ इंडिया का एरिया था, दैट वाज द होल नॉर्थ इंडिया एरिया, इसकी जो कैपिटल थी वो तक्षशिला होती थी। तो इस तरह से 4 प्रोविंस थे, और हर प्रोविंस जो था वो मंडल में डिवाइड था, मंडल्स विषयास में डिवाइड होता था, विषय का जो हेड होता था वो स्थानिक होता था, स्थानिक के अंडर में द्रोणमुख, द्रोणमुख के अंडर में कार्तिक, कार्तिक के अंडर में गोपा, और गोपा के अंडर में ग्रामीण होता था। तो इस तरह से ये अपना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अब ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ये प्रोविंस कैसे बने थे, जैसे मैंने आपसे बताया था कि इनिशियल स्टेजेस में जनपद होते थे हमारी कंट्री में, व्हेन इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द आर्यंस अंडर द वैदिक एज, देयर वर डिफरेंट जन्स होते थे एंड जन्स यूज्ड टू वॉर विद ईच जन, और उससे उनका एरिया इंक्रीज होता था। तो जन जो थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाय 600 BC 16 महाजनपद बन गए। अब उन 16 में से 4 इंपॉर्टेंट महाजनपद बनकर आए, सो उसमें से कुशाला था, अवंती था, मगध था और वत्स था। अब इन चारों में वॉर हुई तो मगध अल्टीमेटली एमर्ज कर विक्टोरियस बन गया था, और ये जो मगध था पहले नंद वंश के अंडर में था, आफ्टर दैट इट वॉज अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द कौटिल्य, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिया था वो हमने कभी क्लास में डिस्कस किया था, आप अगले वीडियो दे सकते हैं, एंड दैट वाज देयर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पूरी पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। प्रोविंस किसके अंडर में होते थे, कुमार, कुमार के अंडर में महामात्या, फिर स्थानिक, फिर द्रोणमुख, फिर कार्तिक, फिर गोपा और फिर ग्रामीण। तो स्टूडेंट्स, आप पहले वाली वीडियोस देखिएगा, और ये वीडियो को आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कोई डाउट है या जो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आई विल आंसर दोस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।